बारिश के कारण टमाटर सहित हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 150 से 200 रुपए किलो तक देखा जा रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने का सीधा असर लोगों के जेब पर पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि बारिश से ज्यादा जमाखोरी होने की वजह से रेट में बढ़ोतरी हो रही है। मानसून और महंगाई की मार अब सब्जियों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए सब्जियों के दाम अब दोगुने और चार गुने तक पहुंच गए हैं। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद की सब्जी मंडी में। यहां भी भाव कुछ ऐसे ही है कि शायद टमाटर और अन्य सब्जियां लोगों की या आम आदमी की पकड़ से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की बस अड्डे से सब्जी मंडी है, जो कि एक लगभग होलसेल की मंडी मानी जाती है, एक बड़ी मंडी मानी जाती है। ऐसे में काफ़ी ग्राहक यहां पर अपनी रोजमर्रा की जरूरत की सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। एक ग्राहक है जिन्होंने अभी अभी टमाटर लिए। कितने टमाटर लिए भैया? मैंने टमाटर लिया 1.5 किलो। क्या हिसाब लिया? 150 रुपये किलो। क्या मान के चल रहे हैं कि रेट बढ़ गए हैं और उसके बाद कितना असर जेब पर पड़ रहा है? कुछ तो बारिश का असर है, कुछ जमाखोरों का असर है। इतना महंगा नहीं होना चाहिए, बारिश से महंगा हो ही जाता, पर जमाखोरों का ज़्यादा असर है। जो रसोई का खर्च है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ कटौती करके जो एक बैलेंस है उसको बना रहे हैं? बैलेंस का साहब इसमें तो करना ही है, कपड़े ना लाने के इस बार अपना टमाटरों पर लगा देंगे। जो कपड़े लाने थे अपने लिए, कपड़े अगले महीने देख लेंगे, टमाटर खाना भी जरूरी है। जेब पर ये सब्जियों के बढ़ते दाम मुश्किल पैदा ना करें, पर कहीं ना कहीं जो थाली का जायका है वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।